तो इस वजह से नरेंद्र मोदी नहीं रहते अपने पत्नी के साथ, वजह जानकर हैरान रह जाएंगी। नमस्कार, आज मैं आपको वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि जीवन के बारे में बताने जा रही हैं। दुनिया भर का हर इंसान नरेंद्र मोदी जी को जानता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था, इस बात से सभी वाकिफ हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जिसका नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी जब 17 साल के थे तभी उनकी शादी हो गई थी और जिस लड़की से उनकी शादी हुई थी उनका नाम यशोदा बेन था। इसी के साथ जब उनकी शादी हुई थी तब नरेंद्र मोदी जी की पत्नी 15 साल की थी और उस समय पढ़ाई को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी और लड़की घर संभालने लगती थी। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी जी की शादी हुई थी तब मोदी जी और उनकी धर्मपत्नी नाबालिग ही थे और शादी के 3 साल बाद अपनी धर्म पत्नी के साथ रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने धर्म पत्नी को त्याग दिया था। उसके बाद वो देश सेवा में लग गए। उसके बाद धीरे धीरे उनका प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में हो गया। हालांकि मोदी ने कभी भी यशोदा बेन को तलाक नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जब 3 साल के ही ग्रस्त जीवन के बाद पत्नी यशोदा बेन को छोड़कर संघ के साथ चले गए तो पहले तो यशोदा थोड़ा दुखी हुई लेकिन बाद में पति के लक्ष्य के आगे संतुष्ट हो गई। उन्होंने भी स्कूल टीचर की नौकरी शुरू कर दी और अपने छोटे भाई अशोक के साथ ऊंचा गांव में ही जिंदगी बिताने लगी। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।